नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा और बड़ी सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की आज की खास खबरों की। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनके अलावा 13 मंत्री और बनाए गए, इनमें 6 पहले से ही मंत्री रह चुके हैं। असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध, सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट के धारा 6A की वैधता को रखा बरकरार। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में हुई 36 लोगों की मौत, 40 की हालत अभी भी गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी हुई गायब। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में शूटर हरियाणा से गिरफ्तार, होटल में छिपा था लॉरेंस गैंग का गुर्गा, पहचान छुपाने के लिए बढ़ाई थी दाढ़ी के बाल। मथुरा में दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शार्प शूटर को धर दबोचा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा बड़ी सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और विभिन्न एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। नायब सैनी को हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। कृष्ण पवार, गौतम गौरव, अनिल विज, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, विपुल गोयल, राम नरवीर, कृष्ण वेदी, आरती राव, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राजेश नागर सहित 13 मंत्रियों ने ली शपथ। नायब सैनी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत का कृष्ण कुमार वेदी ने परचम लहराया। आपको बता दें, कृष्ण कुमार वेदी पिछले 20 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वहीं कृष्ण कुमार वेदी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव भी रह चुके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार वेदी को नायब सैनी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कृष्ण कुमार वेदी, जो कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, इससे पहले मनोहर लाल सरकार में भी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नायब सैनी के बाद अंबाला छावनी से 7वीं बार विधायक चुने गए अनिल विज ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। दरअसल आपको बता दें कि अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बताते चले कि अनिल विज मनोहर लाल की सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा से राज्यसभा की सीट छोड़कर इसराना से चुनाव लड़कर जीते कृष्ण लाल पवार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मनोहर लाल की सरकार में परिवहन व आवास मंत्री रह चुके हैं। कृष्ण लाल पवार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। विपुल गोयल फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने और पूर्व में मनोहर सरकार पार्ट 1 में उद्योग मंत्री रह चुके। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन 2019 में टिकट नहीं मिला था। हालांकि संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। 2024 के विधानसभा चुनाव फिर टिकट मिला और कांग्रेस प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला को 48,388 के अंतर से हरा कर दूसरी बार विधायक बने। तो वहीं तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भिवानी से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं, जो पूर्व सीएम स्वयं बंसीलाल की पोती हैं, जहां आज श्रुति चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नायब सैनी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो दूसरी ओर इस दौरान सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर से विधायक राम नरवीर सिंह और पलवल से विधायक गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली है। राम नरवीर सिंह लगातार 4थी बार प्रदेश के मंत्री बने। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।